अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ एक बाउल भरकर कॉलीफ्लावर, एक छोटा सा बाउल कटा हुआ कैरेट, एक छोटा बाउल कटा हुआ फ्रेंच बीन्स बारीक काट लिया है मैंने इसे, एक बाउल भरकर मैंने आलू ले लिया, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। नमक जाएगा इसमें स्वाद अनुसार। 4 से 5 हरी मिर्ची स्लिट करके रखी है मैंने। इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिरी है, 4 से 5 लौंग है और 1 बड़ी इलायची। और चावल मैंने तकरीबन 1/2 किलो लिया है, इसको मैंने वॉश करके रेडी करके रखा है। आइए, एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक काट लिया है, ये भी पुलाव में हमें लगेगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये जीरा, अच्छा गरम मसाला और तेज पत्ता। इसे थोड़ा 2 मिनट के लिए हम होने देंगे। 2 मिनट हम इसे होने देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम ये प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे हम। तो आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा ब्राउनिश कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से मिला लेंगे। अब जाएगी इसमें ये हरी मिर्च, गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। चॉप गाजर डाल दिया है मैंने, चॉप फ्रेंच बीन्स, अब जाएगा इसमें कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को मैंने गर्म पानी में वॉश किया था ताकि उसका ऊपर का डस्ट है अच्छे से निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू, इसे मसाले के साथ थोड़ा हम पकने देंगे, फ्राई होने देंगे थोड़ा। 2 से 5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। गैस को फास्ट कर देते हैं। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। पाँच मिनट हो चुका है, वेजिटेबल्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटे हुए टमाटर। अगर आपको दही ऐड करना है इसमें तो आप दही ऐड कर सकते हो, टमाटर को स्किप करके। दही आप ले लेना 1 बाउल भर कर। मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ ताकि वो वेजीज के साथ अच्छे से कुक हो जाए। इसे होने देते हैं थोड़ा और 5 मिनट, फिर हम इसमें 1 ग्लास भर कर पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम फास्ट है तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ग्लास पानी।
एक गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम अपने चावलों को ऐड करेंगे। तो अब देखिए मैंने इसमें एक गिलास पानी ऐड किया था, ये अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल में भी मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड किया है, तो टोटल 4 गिलास पानी लिया है मैंने, ताकि ये पुलाव अच्छी तरह से कुक हो जाए। चावल ऐड कर लूँ। हो गया चावल को ऐड करके, अब इसमें हम थोड़ा सा बॉईल आने देंगे, फिर हम कुकर का लिड जो है वो बंद कर देंगे। और इसे आपको तकरीबन 1 प्रॉपर सीटी लेना है कुकर में बना रहे हो तो, और सीटी लेने के बाद इसको स्लो पे आपको 5 मिनट पकाना है आगे का प्रोसेस। तो देखिए इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम कुकर का लिड जो है वो बंद कर देंगे। एक विसल लेंगे हम, उसके बाद 5 मिनट के लिए हम स्लो पे पकाएंगे। एक सीटी हो चुकी है, आइए अब हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर कुक हो चुका है ये, देख सकते हैं आप। डिश में सर्व करके मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार हो चुका है, ये बहुत यम्मी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ या कचुंबर के साथ भी सर्व कर सकते हो, जैसा आपके घर में पसंद करते हैं। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, गुड़म्बा भी है यहाँ पर।